नमस्कार, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। मैं निवेदिता चलती हूँ आज की बड़ी खबर की ओर। एमपी बजट वर्ष 2021-22 रीवा जिले के गोविंदगढ़ किला सौंपा जाएगा निजी हाथों में। हेरिटेज होटल के रूप में होगा विकसित। सिंगरौली को मिली माइनिंग कॉलेज। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 9 मार्च को वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। ऐसे में विंध्यवासियों को क्या मिला, आम जनता जानना चाहती है। बजट के जानकारों ने बताया कि रीवा में टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए गोविंदगढ़ के ऐतिहासिक किले को निजी हाथों में सौंपा जाएगा, जहां हेरिटेज होटल और बियर बार बनकर लोगों को आकर्षित किया जाएगा। इसी के साथ ही ऊर्जा धानी सिंगरौली में माइनिंग कॉलेज खोली जाएगी। साथ ही निजी सेक्टर में 41,000 लोगों के रोजगार देने का दावा किया गया। ऐसे में विंध्य क्षेत्र के हिस्से में 10,000 के आसपास रोजगार मिलने की संभावना है, क्योंकि रीवा में 3 सीमेंट प्लांट और एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट का सोलर प्लांट है। वहीं सतना में 7 और सीधी में 1 सीमेंट प्लांट है, जबकि सिंगरौली में 1 दर्जन बड़े उद्योग हैं, जिससे विंध्य में काफी लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। विंध्य इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को झटका। नए बजट में विंध्य इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बड़ा झटका लगा है। यहां उम्मीद थी कि बनारस और प्रयागराज से उद्योग कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, लेकिन नए बजट में इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हुई। जबकि औद्योगिक केंद्र विकास निगम रीवा के रिकॉर्ड में रीवा, सतना, सिंगरौली 700 हेक्टेयर से अधिक जमीन अधिग्रहित की गई है। वहीं शहडोल संभाग में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट के लिए 100 एकड़ से अधिक जमीन आरक्षित की गई है। 14 सड़कों का होगा विकास। नए बजट में रीवा जिले की 14 सड़कों का अपरीक्षित मद में विकास प्रस्तावित किया गया है। क्योंकि जनकाई मार्ग पनियारी घाट तक, चौखंडी से तोमरनपूर्ण एवं कल्याणपुर मोड़ होते हुए द्वारानाथ मंदिर तक मार्ग निर्माण एवं पुलिया निर्माण, गाढ़ा 128 खटिकान टोला मार्ग एवं पुलिया निर्माण, डभौरा क्षेत्र के पिपरहा पहुंच मार्ग डभौरा बस्ती तक प्रधानमंत्री सड़क, सिमरिया बाईपास में यमुना प्रसाद शास्त्री महाविद्यालय रोड का सुदृढ़ीकरण, सोहागी बड़ागांव भुराय मार्ग से धोबा नाला के पास से स्कंद माता मार्ग का डामरीकरण का कार्य होगा। इसी तरह हनुमना क्षेत्र के पिपराही से जड़कुंड मार्ग, मऊगंज और हनुमना में सड़क में डिवाइडर निर्माण, देव तालाब से तमरी रोड में धनगंज से हटवा सरैहान पुलिया मार्ग, मनगवा हनुमना रोड पर पहाड़ से द्वारा मार्ग, शिवपुरवा से उमरी होकर पहाड़ से बाया टिकरी मार्ग, रीवा शहर के एजी कॉलेज तिराहा से निपन्य तिराहे तक मार्ग, निपन्य तिराहे से तमरा मार्ग टाइगर सफारी तक चौड़ीकरण, विक्रमपुल से निपन्या पुल बाया घोघर मार्ग का चौड़ीकरण शामिल है। और नई खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। सबसे पहले न्यूज़ पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।